मैं चीमा वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी आज के इस वीडियो में मैं आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो मेन uh, एम टू मोटरवे इंटरचेंज का एरिया है उस एरिया के वाले से बताऊँगा और इस वक्त डेवलपमेंट का स्टेटस उस एरिया में या ब्राउनिंग का काम कितना हुआ है उस हवाले से बताऊँगा यहाँ वहाँ पे क्या डेवलपमेंट की नई अपडेट है इस जगह पर आई थिंक थ्री मंथ्स के बाद विजिट कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँगा चेंजेस क्या आए हैं जो लास्ट टाइम मैं विजिट किया था तब यहाँ पे क्या चेंजेस थे क्योंकि मैं लास्ट टाइम जितनी वीडियोस बनाता हूँ मैं अंदर सेक्टर्स की या ब्लॉक की वीडियोस बनाता हूं ताकि उनके हाले से मेंबर्स को ज्यादा अपडेट मिल सके इस साइड पर चूंकि अभी तक कोई डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ये तो पता था यहाँ पर इंटरचेंज आ रहा है अप्रूवल भी आ गया उसका आपको मेन नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वेबसाइट पर प्रॉपरली जो उसकी लास्ट बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग है उसके जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो मिल भी जाएंगे तो वो तमाम लेटर गवर्नमेंट वेबसाइट पर पोस्टेड हैं लेकिन इस वक्त यहाँ पे साइट पे एक्चुअल ऑन ग्राउंड स्टेटस क्या है उसके वाले से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे इंटरचेंज यहाँ बन रहे तो उस एरिया में क्या स्टेटस है इस वक्त जिस एरिया में गुजर रहा हूँ यहाँ पे कुछ आपको राइट और लेफ्ट पे कुछ आबादी नजर आ रही होगी आई गेस गिनती के तकरीबन को तेरह चौदह घर हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। ये लास्ट टाइम जब हमने विजिट किया था जगह पे तो तब भी यहाँ मौजूद थे और अभी भी यहाँ मौजूद हैं और उनकी जो लैंड है वो क्लियरली विजिबल है कि वो अभी तक सोसाइटी की तरफ से प्रिक्योर नहीं की गई इससे जो आगे एरिया है ये बेसिकली इंटरचेंज की प्रोमिसज नहीं है ये वाला आता है कुछ न्यूटक की यूनिवर्सिटी की प्रोमिसज में आता है और कुछ जो एरिया आता है वो आता है आपकी गेट प्रेस के एरिया में आता है इसका ओवरसीज सेंट्रल से कोई लिंक नहीं है इस वाले पार्ट का जिस एरिया से स्पेसिफिकली मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ अगर हम बात करें आगे जहाँ पर इंटरचेंज बनना है उस एरिया की तो वहाँ पर लैंड की प्रिक्योरमेंट की सिचुएशन क्या है तो आपको इसकी नेबरहुड में जितना एरिया है तकरीबन आपको ब्राउन हुआ नजर आएगा सिवाए चंद उन घरों के जहाँ पे आपके सिक्योरिटी गार्ड रहायश पजीर हैं लेकिन ये सारा एरिया प्रक्योर्ड है वो क्लियरली विजिबल है क्योंकि उस पर एफ की ब्रांडिंग हुई हुई है और सामने आपको जो एरिया नज़र आ रहा है यहाँ पे तकरीबन आठ दस घर बने हुए नजर आ रहे हैं ये तमाम एरिया भी प्रिक्योर्ड है इस पर आपको न्यूटेक की ब्रांडिंग हुई हुई नज़र आती है और यहाँ पर कोई आबादी रिहाइश पजीर नहीं है राइट और लेफ्ट पे अगर आप देखें तो जितना एरिया आपका बनता है तमाम के तमाम लैंड जो है ब्राउंड है और इस पर कोई तासुर नहीं मिलता कि यहाँ पे किसी और इंडिविजुअल की लैंड की होल्डिंग है सिवाय एफ डी एच के यानी फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग ओन बाय एचर एल तो इसके अलावा यहाँ पे ऐसा किसी और की लैंड होल्डिंग इस एरिया में स्पेसिफिकली फील नहीं होती क्योंकि ये एरिया सारा इंटरचेंज और न्यूटेक यूनिवर्सिटी का एरिया है हाँ न्यूटेक एरिया न्यूटे कुछ एरिया और कुछ एफ ब्लॉक के साथ कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर सोसाइटी के पास अभी लैंड मौजूद नहीं है यानी क्लियरली फिजिबल है कि वहां पर प्रॉपर्ली काश्तकारी हुई हुई है अब रिसेंटली वहाँ पर कटाई हुई है गंदम की तो यहाँ पे वो चीज़ें उस तरह से जिस तरह हम बोलते हैं सोशल मीडिया पर कि तमाम चीज़ें हो जाएंगी फॉर द टाइम बिंग अभी स्टेटस ऑन ग्राउंड है कुछ पार्ट ऐसा है जिसकी लैंड एक्चुअल में आज की डेट में नहीं है अभी हम आगे उस पे अभी आज की डेट में आपको मंदवाल ब्रिज मिलता है और मंदवाल ब्रिज की राइट लेफ्ट नेबरहुड में जितना एरिया है आपको जितनी ब्रिमिस नजर आती हैं तमाम का तमाम एरिया आपको ब्राउन हुआ नजर आता है और यहां से आपको डॉक्टर इनक्लेव की डायरेक्ट एस बीच में कुछ पार्ट ऐसा आता है मैं आपको ये इस तरह से दिखाता हूँ कुछ पार्ट आपका ऐसा आता बीच में कि जहाँ पे डॉक्टर की पहले एक्सेस मौजूद नहीं थी इस एरिया से अभी आपको कुछ एरिया बीच में ब्राउन हुआ नजर आता है जहाँ पे आपको एफ प्रॉपर ब्रांडिंग भी नजर आती है तो ये वाला जितना एरिया बनता है आपको डॉक्टर का एरिया बनता है इस वक्त जो आप एरिया देख रहे हैं ये सारा एरिया डॉक्टर एनक्लेव की तरफ जाता है यानी कि जो इंटरचेंज के साथ एक्सेस है ये मंदवाल ब्रिज का एरिया है अगर आप सामने वाली साइड पर देखें और राइट साइड पर डॉक्टर एनक्लेव का एरिया नजर आता है वहां पे आपको प्रॉपरली एफ की ब्रांडिंग नजर आती है बीच में कुछ पॉकेट्स हैं आई गेस छः आठ एक दो एकड़ तीन एकड़ की हैं पॉकेट्स जहाँ पे लैंड प्रक्योर नहीं है अगर आप राइट साइड पे देखें इंटरचेंज ये नहीं राइट साइड जहाँ पे सोसाइटी ने फ्यूचर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो वहाँ पे अभी आबादी है वहाँ पे लैंड की प्रक्योरमेंट के इश्यूज डेफिनेटली होंगे आप राइट साइड पर अगर नीचे देखें मोटरवे के बिल्कुल साथ तो आपको कुछ कंस्ट्रक्शन हुई हुई नजर आएगी कुछ कंस्ट्रक्शन से मुराद ये कि ये जो एरिया बनता है यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से जो अपना साइट ऑफिस मोटरवे की जब कंस्ट्रक्शन इंटरजेंट की स्टार्ट होनी है तो यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से जो भी आपको साइट ऑफिस रिक्वायर्ड होते हैं उस ऑफिस के लिए यहाँ पर आपको प्रॉपरली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई नजर आती है और एरिया भी काफ़ी हद तक ब्राउंड नजर आता है आप जाते हैं मोटरवे की दूसरी साइड पर और इसकी मैं कुछ फुटेज ड्रोन की भी है साथ लगा दूंगा दूसरी साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा एरिया ऐसा है जो स्मार्ट सिटी की तरफ से यानी फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग की तरफ से ना सिर्फ प्रक्योर किया गया है बल्कि उस एरिया की प्रॉपरली आपको ब्राउनिंग भी नज़र आती है यानी कि वहाँ पे प्रॉपरली यहाँ तो ब्राउनिंग हुई है और सामने साइड पे आपको जो ऑफिसज़ नज़र आ रहे हैं ये तमाम के तमाम ऑफिस जो हैं ये फ्यूचर डेवलपमेंट होल्डिंग की जिस वक्त साइड ऑफिस है उसके ऑफिसेज़ हैं तो ये अभी आगे तरफ देखें आपको कुछ दूर तक एफ की रूम्स नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे ये भी प्रॉपरली एफ डी एच की ब्रांडिंग के साथ तो अगर मैं कंपेयर करूँ इसे लास्ट वेव से तीन महीने पहले जो आया था तो तमाम की तमाम चीज़ें वैसी की वैसी हैं सिर्फ जो एक मेजर डिफरेंस आया है वो आपको डॉक्टर एंड क्लेव का जो इंटरचेंज के साथ जो एक पैचअप था जो कुछ लैंड का पार्ट बीच में पहले ज़्यादा पार्ट था अब वो कम होकर छः से आठ कनाल या दस कनाल पर रह गया बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गया तो ये एक नई चीज़ यहाँ पर ऐड हुई है बाकी तमाम की तमाम चीज़ रेसिप्रोकल हैं जिस तरह तीन महीने पहले थी आज की डेट में भी वैसी की वैसी हैं होपफुली जब यहाँ पे जून के पहले हफ्ते में यहाँ पर इंटरचन कंस्ट्रक्शन का काम का आगाज़ होगा तो यहाँ पे तब चीज़ें पेसअप हो जाएंगी अभी आज की डेट में यहाँ पे स्टेटस ये कि यहाँ पर चीज़ें एज़ इट इज़ हैं जैसे यहाँ से स्टार्ट में 2017 में थी लेकिन बीच में कुछ पार्ट्स ऐसी बात ऐड हुआ है लेकिन तीन महीने पहले से अगर मैं कंपेयर करूँ तीन महीने का बे गैप के साथ तो कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है सिवाए एक पार्ट के लैंड की छोटे से चंक के अलावा बाकी तमाम की चीज तमाम चीज़ें एज़ इट इज़ हैं जब जून में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गए इंटरचीन की तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है यहाँ पर तो उनको सबसे ज़्यादा प्लॉट आपका डेवलप्ड है या नहीं डेवलप्ड दैट इज़ नॉट द कंसर्न बेसिकली आपका प्लॉट जो है ऐसी सोसाइटी में जिसका मोटरवे से इंटरचेंज अप्रूव हो चुका है और सोसाइटी में आपका प्लॉट है फाइल है कमर्शियल है रेजिडेंशियल है अपार्टमेंट बिल्डिंग है या विला है कोई भी प्रॉपर्टी आपकी है कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट किसी भी uh, टाइटल में की हुई है तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है उस पर आपको काफ़ी खातर ख़ार रिटर्न मिलेंगे क्योंकि ये जो एरिया सारा है जब फ्यूचर में देखेंगे तो आपको मोटरवे के साथ इतनी बड़ी प्रेमिस पे एक प्रॉपर्ली शेयर जो है आबाद होता हुआ नजर आएगा जिसके अंदर अब रावलपिंडी इस्लामबाद को छुने पाकिस्तान में बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं बहुत ब्रांडेड सोसाइटीज़ हैं बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं कितनी सोसाइटीज़ आपने देखी हैं डीएचए बैरिया गुलबर्ग सी सेक्टर जहाँ पे आपने देखा हो कि सोसाइटीज़ के अंदर तीन से चार यूनिवर्सिटीज हों आपको नहीं मिलती कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर सबसे पहले आपको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो आर्मी का एक झेली इदार है यानी आर्मी के जो सर्विंग आपके ओार्ज होते हैं वो यहाँ पे आके करसेज करते हैं तो आर्मी के एक झेली इदारा है जिसके पैटर्न चीफ आर्मी चीफ जो करंट आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा जो फ्यूचर आम में चीफ होंगे तो वो पैटर्न चीफ होंगे इसके अलावा नमल यूनिवर्सिटी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज अगेन ओन बाय मेजर शेयर्स ऑफ आर्मी मेजर एक्टिविटीज़ ओन बाय आर्मी थर्ड इज़ यहाँ पे आपका हार्लेस स्टेट लेने का है अब वो मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है यानी कि एक हॉस्पिटल भी होगा प्लस साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी भी होगी और इसके अलावा मल्टीपल चीज़ें हैं गधारा आर्ट और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं आपको सोसाइटीज़ में ये नज़र नहीं आता ये सोसाइटी में अभी एक भी रिहायशी नहीं है और इतनी अगर बड़े लेवल पे सोसाइटीज़ अपनी लैंड प्रोवाइड करने में कामयाब हो गई ऐसे ब्रांडेड uh, यूनिवर्सिटीज़ को तो इस सोसाइटी की वैल्यू का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में जब ये एरिया डेवलप्ड होगा तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी वो कहाँ तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें कितने अच्छे रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब हम जब मैं स्टार्ट में यहाँ पे uh, स्मार्ट सिटी की साइड पर पहले जब आई थिंक अठारह में यहाँ पे आया था सतारह अठारह में तो तब यहाँ पे इस एरिया में जब आते थे तो आपके लिए इस एरिया में कुछ भी लैंड अवेलेबल नहीं थी मुझे अच्छी तरह याद है यहाँ पे राइट साइड पे काफ़ी ज़्यादा घर हुआ करते थे यानी ये जो आपको लैंड नज़र आ रही है ना ब्राउन किस्म की ये तमाम पहले एरिया पे घर हुआ करते थे आबादी होती थी यहाँ पे आज की डेट में तमाम की तमाम लैंड जो सोसाइटी के पास प्रिक्योर्ड है और यहाँ पे कुछ पार्ट्स हैं कुछ पॉकेट्स हैं अभी भी जिसकी लैंड अभी आपको कुछ जानवर भी नज़र आ रहे होंगे कुछ घर भी नज़र आ रहे होंगे और कुछ मवेशी भी यहाँ पे हैं लेफ्ट साइड पे और कुछ यहाँ पे प्रॉपर्ली आबादी है यहाँ पे तो यहाँ पे अभी भी उस तरह से प्रॉपरली सोसाइटी की तरफ से लैंड प्रिक्योर नहीं है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में सोसाइटी ये लैंड प्रक्योर कर लेगी या कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा कि इसका सोसाइटी के को ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आए क्योंकि अगर सोसाइटी ने लैंड प्रक्योर करनी है तो यहाँ पर जो लोकल्स हैं वो नई कंस्ट्रक्शन भी कुछ जगह पर करें जैसे सामने वाली साइड पर ये बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है इसके अलावा इसकी बैक साइड पर एक बड़ा घर बन रहा है इनफैक्ट हवेली बन रही है और राइट साइड पर उधर एक और भी घर बन रहा था तो आई डोंट नो कि इस एरिया के बारे में सोसाइटी के साथ इनकी मैनेजमेंट के साथ क्या कमिटमेंट्स हैं मैप के मुताबिक ये गेट प्रिस्ट है यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स आने हैं बड़े प्लॉट्स अब सोसाइटी मैप को दोबारा जाहिर से बात रिवाइज नहीं करेगी कोई ना कोई सोसाइटी के पास बैकअप प्लान होगा इस स्पेसिफिकली एरिया के हवाले से ढोक लुंडा मेरा के हवाले से अब देखते हैं कि सोसाइटी जाके फ्यूचर में इस एरिया को कैसे देखती है अब बहुत सारे एरिया सोसाइटी का ऐसा है जिसकी ब्राउनिंग हुई हुई है जिसकी लैंड अवेलेबल है और लेकिन उस पर कुछ लॉन्च नहीं किया हुआ और बहुत सारे एरिया कुछ सोसाइटी की बातें ऐसी हैं जिसपे आम आदमी भी राय कर सकते हैं कि इतना बड़ा ब्रांडेड प्रोजेक्ट है इतनी ज़्यादा लैंड मौजूद है अब जो लैंड जिस जिसका मैं लैंड का विजिट कर सकता हूँ आप गूगल अर्थ पर सिर्फ देख सकते हैं एरिया जिसका मैप मौजूद है वो चौंतीस हज़ार दो सौ चौबीस किनाल है लेकिन जिस लैंड का मुझे पता है जहाँ पे एफ की ब्रांडिंग है ऑन ग्राउंड आप विजिट करते हैं मोटरवे के इस तरफ या उस तरफ तकरीबन अराउंड एटी थाउजेंड कनाल लैंड जो है वो आपके पास प्रिक्योर्ड है तो उसके बावजूद भी एक्जिव ब्लॉक के मेबर्स हो गए उन्होंने 2017 हज़ार से इन्वेस्टमेंट की 2022 आ गया अभी तक उनको प्रोजर्शन नहीं मिला तो डेफिनेटली अगर आप उस लैंड में नहीं उनको एडजस्ट कर सकते दूसरे लैंड में एडजस्ट कर दें तो ये कोई सहीफा तो नहीं है कि उन्होंने एक्जैक्ट ब्लॉक अलर्ट से जी वहाँ पर प्लाट था तो वहीं आएंगे अदरवाइज उनका वो प्लाट जो है वो उनके लिए एक नवज़ा साबित हो जाएगा आप उनके लिए कुछ भी बेनिफिट के लिए कर सकते हैं उनको किसी अच्छी जगह पर लैंड डेवलप करके उनको प्लॉट एलोकेट कर दें तो अब मैं जो बात कर रहा हूँ सोसाइटी की चीज़ें कुछ समझ से बाहर है कि कुछ जगह पे आपके पास लैंड नहीं है लेकिन वहाँ प्लॉट लॉन्च हुए हुए हैं सेल हुए हुए हैं मैपे हैं और कुछ बहुत ज़्यादा जगह ऐसी है कुछ नहीं बहुत ज़्यादा जगह ऐसी है कि जहाँ आपके पास लैंड क्योर्ड है वहाँ पे आपने लॉन्चिंग भी नहीं की आप सेल भी नहीं किया कोई मैप भी लॉन्च नहीं किया ये भी नहीं पता कि वो वाली जो एरिया वो किस प्रसिस में आते हैं अगर मैं राइट साइड भी यहाँ देखूँ तो मोटरवे के दूसरी तरफ आई गेस यहाँ से आपको विजिबल हो या शायद ना हो लेकिन मोटरवे की दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा लैंड ऐसी है जिस पर आपको एफ की ब्रांडिंग नजर आती है अगर आप मोटरवे से गुजर रहे हैं इट् आप ये विटनेस कर सकते हैं किसी बंदे की ज़रूरत नहीं आपको बताने की इट्स विटनेस कर सकते हैं यहाँ पे कितनी लैंड है जो सोसाइटी के पास होल्डिंग मौजूद है उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई मैप ऐसा लॉन्च नहीं किया गया और साउनवेल्ड साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पे जिसका मैप लॉन्च किया गया है उससे सेंट्रल का उसमें भी कुछ छोटी पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे लैंड के इश्यूज हैं अभी आज के डेट में वहाँ पे आपको खेत नज़र आते हैं वहाँ पे उस तरह से प्रिक्योरमेंट नजर नहीं आती और बाकी तकरीबन 80 परसेंट नाइनटी परसेंट लैंड ऐसी है जो सोसाइटी के पास ओवरसीज सेंट्रल की भी मौजूद है एटी परसेंट बड़ा खराबील बोल दिया अराउंड सेवेंटी फाइव परसेंट कर लें आप तकरीबन पच्चीस परसेंट लैंड ऐसी है जिसके इशूज़ होंगे क्योंकि आगे कुछ ग्रीनरी वाला पार्ट भी है ओवरसीज में ब्लॉक ए और बी के सामने जो अपोजिट साइड आती है आई डोंट नो वहाँ पे क्या लॉन्च किया जाएगा तो आई गेस लैंड के वहाँ पे इश्यूज होंगे तो ये ओवरऑल जो स्टेटस है इस वक्त इंटरचेंज क्या स्टेटस है इस वक्त सेंट्रल का क्या स्टेटस है और इस वक्त डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, है सामने आपको जो फुटेज नज़र आ रही है दोबारा वही चार सौ फुट रोड की है जिसके डेवलपमेंट जो है सोसाइटी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कर रही है एक्सपेक्टेड है कि जब इंटरचेंज पे काम आगाज़ होगा तो जब तक इंटरचेंज कच्चा रास्ता आएगा तो इस रास्ते की कोई ना कोई कारपेटिंग वगैरह कर ली जाएगी ताकि इजी एक्सेस बन सके जो भी इंडिविजुअल मोटरवे से कच्चे रस्ते से भी उतरते हैं तो अगर हम दूसरी तरफ देखें तो डॉक्टर एनक्लेव की भी उतनी ही तेज़ी से डेवलपमेंट की जा रही है क्योंकि मोटरवे से इंटरचेंज उतरने के बाद सबसे पहले आप डॉक्टर एनक्लेव में एंटर होंगे और डॉक्टर एनक्लेव की जो है अगर लैंड पे क्योर नहीं होगी आपको वहाँ पे गांव या आबादी नजर आएगी तो डेफिनेटली एक बहुत बुरा तासुर जाएगा सोसाइटी का कैपिटल स्मार्ट सिटी का एंड ओवरऑल मैनेजमेंट का कि इनके पास लैंड मौजूद नहीं है यानी इंटरचेंज बना दिया साथ गाँव बैठा हुआ है तो उसके लिहाज से सोसाइटी ने तो इंटरचेंज के साथ एरिया है उसको सबसे पहले प्रिक्योर किया सबसे पहले डेवलप किया और उसको इवन दो सेल भी नहीं किया गया और एक्सपेक्टेडली ये है कि वहाँ पे आने वाले दिनों में ओवरसीज सेंटर में विलाज लॉन्च होंगे क्योंकि उन विलाज की जो डेफिनेटली डिमांड होगी मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी और सोसाइटी का उसको बेनिफिट होगा बेनिफिट ये होगा कि इंटरचेंज उतरते साथ ही जब राइट लेफ्ट आपको विलाज नज़र आएंगे तो डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है कि सोसाइटी डेवलप्ड है और अच्छा बेनिफिट ये होगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आपकी बेस्ट से बेस्ट अवेलेबल लोकेशन हो सकती है या कोई भी इंडिविजुअल जो सबसे टॉप लोकेशन एक्सपेक्ट करता है रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी के लिहाज से वो लोकेशन आपकी हो सकती है कि आपकी एक्सेस एक इंटरचेंज के साथ हो जो मोटरवे वैम टू से मिलता है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोड या बाइ रोड कह लें कि जिस जिसपे आपको एक प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस मिलता है बाकी तमाम तो रोड्स का आप हाल जानते हैं पाकिस्तान में उसके साथ तो आप प्रॉपर्टी होगी तो आपसे डेफिनेटली वैल्यू एक्सपेक्ट कर सकते हैं कहाँ तक जाएगी सो दिस वॉज इट फ्रॉम डे अगर आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी या लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग के बारे से कुछ मालूम चाहिए हो तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करना मत भूलें डब्ल्यू डब्ल्यू अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़